कक्षा 3 की मासूम बच्ची के साथ 15 दिन पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में एसपी ने लापरवाही के चलते थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच बिठा दी है। मामला रमाला थाना इलाके का है, जहां प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा के साथ स्कूल के ही टॉयलेट में 3 छात्रों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। परिजनों का आरोप है, परिजन स्कूल में बच्ची को लेकर पहुंचे तो टीचर ने मामले में चुप बैठने की बात कहकर उन्हें स्कूल से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार मासूम बच्ची को लेकर थाने पहुंचे तो वहां मौजूद थाना अध्यक्ष नरेश कुमार ने थाने से बगैर कार्रवाई करे ही भगा दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार गुहार लेकर एसपी के पास पहुंचा तो एसपी बागपत ने मामले में लापरवाही देखते हुए थाना अध्यक्ष नरेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जांच कर विभागीय कार्रवाई के लिए जांच टीम बिठा दी है। फिलहाल पीड़ित बच्ची का जिला महिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और पीड़ित परिवार मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। जी 16 अगस्त को मेरी बच्ची घर पे आई तो देखा उसकी तबीयत कुछ ढीली सी थी जी। मम्मी ने उसकी पूछा क्या हो गया कि बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, फिर उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई जी। मैं गांव में ही दिखाया कई बार उसको, फिर गांव में से आराम नहीं हुआ जी। मैं लेडी डॉक्टर के पास लेके गया उनको, उन्होंने वहाँ पे उनकी मम्मी को बताया जी कि उनके साथ में बच्चों ने छेड़खानी की है। फिर उसकी मम्मा ने उन्हीं से पूछा बच्ची से क्या हुआ, बोली कि 2 बच्चे तो मुझे पकड़ कर ले गए थे जी, 2 बच्चों बस सिर्फ पकड़ कर ले गए थे वे 2 बच्चे, बाकी 1 बच्चा अंदर टॉयलेट में था और उसके साथ ही जो भी हरकत हुई है जी वो वहाँ पे टॉयलेट में हुई थी। फिर उसके बाद मैडम जी को बताया, मधु जी को, इन्होंने मेरी बच्ची ने, मधु जी ने कहा कि बेटे घर पर मत बताना और झगड़ा हो जाएगा। पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा ना लिखने, समय से मुकदमा ना लिखने की वजह से दंडात्मक कार्रवाई थानाध्यक्ष के ऊपर की गई है, उनको रिवर्ट किया गया, अभी प्रत्यावर्तित कर लिया गया है, उनकी जांच करवाई जाए, अगर उसमें कुछ और निकल के आता है तो और भी आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी।